जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दैवीय आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां आप ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं
उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। हमारे यहां कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजनम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य, ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी आप सबको यहीं से प्रणाम कर।